आज रंग है, आज रंग हेरी माँ, आज रंग है, आज रंग, आज रंग हेरी माँ, रंग हेरी माँ, आज रंग हेरी माँ, रंग हेरी मेरे महबूब के घर, हेरी सखी मेरे महबूब के घर, रंग हेरी मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी रे, आज रंग हेरी माँ, रंग हेरी माँ, हेरी सखी रे सब मेरे। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही शानदार सी बिरयानी, नेशनल बॉम्बे बिरयानी, कराची के खास स्टाइल में। बिरयानी एक ऐसी वर्सटाइल चीज़ है जो कि हर घर में बहुत पसंद की जाती है, बच्चे हों या बड़े, और बनाना भी बहुत आसान उस वक्त हो जाता है जब आपके पास नेशनल बॉम्बे बिरयानी का एक पैकेट मौजूद हो। पैकेट खोलें और नेशनल बॉम्बे बिरयानी कराची के खास स्टाइल में आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बॉम्बे बिरयानी, नेशनल बॉम्बे बिरयानी मसाला के साथ। यहाँ पर हम पैन रख रहे हैं, ठीक है, इसमें डालेंगे हम ऑयल तकरीबन 3/4 कप के करीब। ठीक है, चला गया ऑयल इसके अंदर। अच्छा, अगर आपके पास प्याज फ्राई नहीं है तो बिल्कुल आप इसमें 3 अदद प्याज फ्राई कर सकते हैं। मैंने ज़रा पहले करके रखी हुई है, ये 3 प्याज है मेरे पास फ्राई हुई, ये चली गई इसके अंदर। इसके अलावा जाएगा इसमें अदरक और लहसुन का ये पेस्ट, 2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये गया। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये टमाटर, टमाटर चलेगा, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। ये हो रहा, थोड़ा सा टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें चिकन शामिल करूंगी। चिकन है हमारे पास 750 ग्राम के करीब, और इसमें हम आलू भी शामिल करेंगे, आलू 3 अदद आप ले सकते हैं। और नेशनल का बॉम्बे बिरयानी मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर कम या ज़्यादा जितना चाहे डाल सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास दही है, तकरीबन 3/4 कप मैं इसमें दही शामिल करूँगा। देखिए कितना आसान काम है ना, कि आपको कुछ मुश्किल नहीं है कि आपने मसाले का पैकेट खोला ना, आपको ये देखना है कि कितना नमक कितना मिर्च, सब चीज़ें बैलेंस अंदाज में इस रेसिपी मिक्स में है। टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए तो इसलिए अब मैं इसमें ये चिकन शामिल करूँगी जो कि हड्डी वाली चिकन है मेरे पास यहाँ पे, ये इसमें डाल दिया ना, वो हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। साथ ही जो मेरे पास अब ये मसाले का पैकेट रखा हुआ है ना, अब इसकी बारी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे नेशनल बॉम्बे बिरयानी कराची खास ना, तो इसको हम खोल लेते हैं। आज रंग है, आज रंग हेरी माँ, आज रंग है, आज रंग, आज रंग है। चलिए ये मसाला जार, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा मसाला कम या कौन सा मसाला ज़्यादा, आपने पूरा पैकेट डालना चाहते हैं तो पूरा डाल दीजिए। मैं इसमें 3/4 पैकेट जो है इसके अंदर शामिल करें, और इसको थोड़ा सा अब हम पानी डाल के इसको भूनेंगे। बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। अब कलर चेक करें, क्या ज़बरदस्त है इसका कलर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम एक काम ये करते हैं कि इसके अंदर शामिल करते हैं आलू। आलू है हमारे पास 3 अदद बड़े साइज़ के, वो मैंने इसमें शामिल कर लिए, ये जितने आपको अच्छे लगते हैं उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। इसको मिक्स करते हैं, बहुत ही शानदार सी इसमें खुशबू आ रही है। अब मैं बस क्या करूँगी कि मैं एक काम ये करती हूँ कि इसमें पानी डालती हूँ, पानी डालूँगी मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब, क्योंकि चिकन है और आलू है तो इसलिए ये इसमें इंशाल्लाह ताला गल जाएगा। ये गैस है पानी, इसको मिक्स करते हैं और इसको हम कवर कर देते हैं। आज रंग है,
मैंने ये खुशबू अच्छी सी आ रही है, मैं इसको खोल के चेक करती हूँ। बिस्मिल्लाह। हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। ये देखें आप शक्ल इसकी कितनी अच्छी, खुशबू इतनी रहती है ना, जब आप अपने घर में बनाएंगे ना तो आप खुश हो जाएंगे कि कुछ आपको सोचना नहीं पड़ा, बस मसाले का आपने पैकेट खोला और उसके अंदर शामिल कर दिया। ये गई इसमें हरी मिर्चें, 6 से 7 आप हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दीजिए। ये गई, यहाँ मेरे पास मौजूद है दही। अच्छा, दही है मेरे पास ये तकरीबन 3/4 कप के करीब, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि आराम से हो जाए। ये देखिए, अगेन हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा आपको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा दही जो है ना वो पक जाना चाहिए। अच्छा, राइस हमने जो बॉईल किए थे वो मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये राइस देखिए जी, ये राइस मेरे पास फुल डन है। नमक डाल के मैंने इनको बहुत अच्छा सा बॉयल कर लिया, फुल डन है ये राइस ना। अच्छा, यहाँ पर इस बिरयानी के फ्लेवर को और भी इन्हेंस करने के लिए मैं एक और चीज़ का इस्तेमाल करूँगी जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, नेशनल गार्ड चिकन स्टॉक पाउडर, जो कि आपके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा। इसके अंदर आपको पता है कि MSG भी शामिल नहीं है और इसके अलावा अजीनोमोटो भी शामिल नहीं है, और रियल चिकन का पाउडर है ये। अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छी सी यखनी बनाए, सूप बनाए, तो किचन में जाइए, फटाफट इसको पानी में डिज़ोल्व कीजिए, पकाइए और बेहतरीन से शक्ल सूरत का सूप बनाइए, या फिर यखनी बनाएँ, या फिर अपनी जो चीज़ें आप बनाते हैं आप अपनी मैरिनेशंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखते रहिए, हम आपको ये चीज़ें बताते रहेंगे। तो इस वक्त मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नेशनल गार्ड चिकन स्टॉक पाउडर, ये जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून बिरयानी के टेस्ट को और भी बहुत अच्छा करने के लिए, एक बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाएगा। ये गया इसमें 1 टेबल स्पून नेशनल गार्ड चिकन स्टॉक पाउडर। इसके टेस्ट को और भी इन्हेंस कर देगा, आपकी बिरयानी बन जाएगी और भी बहुत मज़ेदार और शानदार। चूल्हा में थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ, इसका मसाला चेक कीजिए कितना कोई ज़बरदस्त सा हो गया है, खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। तो अब बारी आती हम अपनी जो राइस हमने बना के बॉईल करके रखे हुए हैं वो इसके अंदर शामिल कर देते हैं। राइस है हमारे पास यहाँ पर 750 ग्राम। ऊपर से बिल्कुल हम अच्छे से लेवल कर देते हैं, लेकिन आंच मैं थोड़ी सी तेज़ रखूँगी, ठीक है। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि चावल जो है हमारे अच्छे से ग्रीस हो जाए और आंच जो है वो मेरी तेज़ है। 5 मिनट बाद हम इसको दम पे छोड़ेंगे और यहाँ पर ले लेते हैं, ये मेरे पास येलो फूड कलर है और इसमें मैं ये तकरीबन मैंने लिया है 1/8 टीस्पून, ठीक है, यानी तकरीबन 2 बड़ी चुटकी। इसको पानी में डिज़ोल्व करें या फिर आप करें दूध में, दोनों में अच्छा रहता है। ये देखिए इसमें करें दोबारा से और ये डाल देते हैं सेंटर, ये हो गया। और इसको मैं कवर करती हूँ, दम पे छोड़ती हूँ, तो हमारी बेहतरीन सी नेशनल की बॉम्बे बिरयानी जो है वो तैयार हो जाएगी। इसको कवर करते हैं चूल्हा स्लो पर। ये खुशबुएं बहुत ज़बरदस्त सी आ रही हैं बिरयानी में से, तो मैं देखती हूँ कि बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। आई एम श्योर कि 100% तैयार हो चुकी है। मैं इसका ढकना हटाने लगी हूँ। वाह, क्या ज़बरदस्त, माशाल्लाह, खिले खिले चावलों वाली बहुत ही खुशबूदार सी ये नेशनल बॉम्बे बिरयानी रेसिपी मिक्स से हमने बनाई थी। और बिस्मिल्लाह, ये देखिए क्या अच्छी सी जूसी सी बिरयानी है। ये जबरदस्त, ये देख रहे हैं आप,
इतनी खुशबू आ रही है यहाँ पे, आप लोगों तक तो नहीं पहुँच रही होगी लेकिन आप लोगों तक भी बिल्कुल पहुँचेगी जब आप इसको अपने घर में बनाएंगे। ये देखें आप, ये लग रहा है बिल्कुल जैसे देख की बिरयानी जो है तैयार हो गई है। नेशनल ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। ये वो लोग जो बच्चियां नई नई शादी जिनकी होती है, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें और किस तरह से बेहतरीन सी बिरयानी बनाएं, क्योंकि बिरयानी हम सबकी हमेशा फेवरेट रहती है। या ये कि जो यंगस्टर पढ़ने के लिए चले गए होते हैं और बाहर जाके चाहते हैं कि अपनी कराची स्टाइल जो है बिरयानी मिले, तो नेशनल की बॉम्बे बिरयानी लेकर आएँ और अपने तमाम घर वालों को खुश करें। ये थी हमारी नेशनल दिलसे की आज की रेसिपी। तो आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक करें और कमेंट्स आप ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से। अल्लाह हाफिज़।